जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो को सिर्फ समझदार लोग देखें, क्योंकि आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में मुझसे ना पूछे, क्योंकि मैं खुद आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोलोराडो नदी पर जो हूवर डैम बनाया गया है, जो कि अमेरिका में मौजूद है, उसको बनाने में करीब 21,000 लोगों की मेहनत लगी। पूरे 14 साल लगे और उन 21,000 लोगों में से 96 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। पहली मौत 20 दिसंबर 1922, वहां पर पहली मौत हुई और उस शख्स का नाम था जॉन टायरनी, जो कि एक जियोलॉजिकल सर्वेयर था, पर नदी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। ये थी पहली मौत। और अब बात करते हैं वहां पर आखिरी मौत की। जॉन की मौत के पूरे 14 साल बाद, यानी कि 20 दिसंबर 1936 को जॉन टायरनी की मौत की एनिवर्सरी पर हूवर डैम पर आखिरी मौत हुई। एक लड़का काम करते वक्त इलेक्ट्रिक टावर से नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। क्या आपको पता है कि वो लड़का कौन था? जॉन टायरनी का बेटा पैट्रिक टायरनी। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस डैम को बनाते वक्त पहली और आखिरी मौत बाप बेटों की हुई। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उनके मरने की तारीख भी सेम थी, यानी कि 20 दिसंबर। एक ही दिन दोनों बाप बेटों की मौत हुई, पहली और आखिरी भी। दोस्तों, आज की वीडियो छोटी होगी पर ताबड़तोड़ होगी। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो मेरी बद्दुआ लगेगी। तो स्वागत है आपका इस आलतू फालतू वीडियो में और इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वॉचिंग बकचोदी वाला टैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार नेशनल जियोग्राफी ने रिपोर्ट किया कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाला पत्थर, जिसे हम कॉमेट भी कहते हैं, उसके एक इंसान के ऊपर गिरने के चांसेस 16 लाख में से एक है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और वहीं सोचो, एक ऐसा अज्ञात कॉमेट जो कि 4.5 बिलियन सालों से अंतरिक्ष में अकेला घूम रहा है, बिना किसी से टकराए, और उस कॉमेट का एक ऐसी फैमिली पर गिरने का चांस कितना हो सकता है जिन फैमिली का सरनेम भी कॉमेट हो। यह तो एक करिश्मा ही हो सकता है। पर ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटना पेरिस फ्रांस में एक फैमिली के साथ हो चुकी है, जिनका सरनेम भी कॉमेट था। एक 88 ग्राम का कॉमेट कॉमेट फैमिली की छत के ऊपर गिर पड़ा। वो तो शुक्र है कि कॉमेट फैमिली का कोई भी सदस्य उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, सारी फैमिली छुट्टी पर गई हुई थी। बड़ा कोइंसिडेंट। ये तो वही बात हो गई, एक शर्मा जी किसी दूसरे घर के शर्मा जी के ऊपर गिर पड़े। शर्मा जी कहीं गुस्सा करके मत बैठ जाना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंग्लैंड में रहने वाले अपने माइकल भाई साहब के घर पर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने लीजा रखा। जब लीजा लगभग 8-9 साल की हुई तो उसके माता पिता का तलाक हो गया, मतलब माइकल का अपनी घरवाली से टाइम टाइम फिश हो गया, मतलब हो गया। अब माइकल की वो बन चुकी थी एक्स वाइफ। माइकल और उसकी एक्स वाइफ एक ही शहर में रहते थे, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को मिलजुल आता था, देखाता था। पर 12 साल बाद माइकल की एक्स वाइफ लंदन को छोड़ के अपनी बेटी को साथ लेकर, मतलब लीजा को साथ लेकर स्फॉक्स चली गई, मतलब स्फॉक्स शहर चली गई। दिन बीते गए, महीने बीते गए और करीब 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद माइकल को अपनी बेटी की याद सताने लगी। माइकल के पास अपनी एक्स वाइफ का ना तो कॉन्टैक्ट नंबर था जिससे वो बेचारा कॉन्टैक्ट कर ले और अपनी बेटी को मिल पाए, वो तो था ही नहीं। तो माइकल भाई साहब अपनी नई घरवाली की दोनों बेटियों को साथ लेकर उस शहर में चले गए अपनी बेटी लीजा को ढूंढने। माइकल ने काफी पूछताछ की और उसके घर का पता लगाने की भी कोशिश की, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। जिसके बाद माइकल को एक आइडिया आया, उसने अपनी फोटो खींची और न्यूज़पेपर में छपवा डाली, और वो भी अपनी दोनों बेटियों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि लीजा उस फोटो को देखेगी और अपने माइकल भाई साहब को कॉन्टैक्ट करेगी, अपने बाप को मतलब। और यही हुआ। और जैसे ही लीजा ने उस फोटो को देखा तो वो हैरान हो गई, इसलिए नहीं कि उसके पापा उसे ढूंढ रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस अखबार में छपी फोटो में वो खुद भी थी, वो भी सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर, जिससे वो दोनों बेखबर थे। अब इस फोटो में देख सकते हो जिसमें लीजा और उसकी मम्मी वहां से जा रहे थे जब ये फोटो खींची गई, और बेचारे माइकल भाई साहब को ये पता ही नहीं था। क्या बात है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, घटना है शिकागो अमेरिका की। एक लड़की जिसका नाम था एस्थर और एक लड़का जिसका नाम था पॉल, उनका काफी लंबे समय से नैन मटक्का चल रहा था। अभी तक वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में तो नहीं थे, पर फिर भी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एस्थर और अपने पॉल भाई साहब एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे, और अपने पॉल भाई साहब जैसे ही काउंटर पर पैसा पे करने गए तो उसके एक नोट पर एस्थर का नाम लिखा हुआ था, वो भी पेंसिल से। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसने सोचा मेरे साथ कॉफी पी रही वो लड़की जो सामने बैठी है उसका नाम भी एस्थर है, और यहाँ नोट पर भी पेंसिल से किसी ने एस्थर लिखा हुआ है, व्हाट
व्हाट, ये कैसे हो सकता है? उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने उस नोट को संभाल के रख लिया। पॉल उस दिन एस्थर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करने वाला था, पर वो रुक गया, तो उसने उसे उस दिन प्रपोज नहीं किया। पॉल को एक आइडिया आया, उसने उस नोट को फ्रेम करवा लिया। और फिर उसके बाद पॉल जैसे ही उसे गर्लफ्रेंड के लिए एस्थर को प्रपोज करने वाला था, उसने उसे वो नोट गिफ्ट में दिया। और पॉल ने एस्थर को कहा कि मुझे ये नोट पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ मिला, तो मैंने संभाल के रख लिया। जिसके बाद एस्थर एकदम से चुप हो गई और हैरान भी हो गई। तो पॉल ने एस्थर से पूछा, क्या हुआ कुड़िए, चुप क्यों हो गई, की गल होगी, चुप क्यों हुआ? एस्थर ने पॉल से कहा कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। दिन बीत गए, महीने बीत गए, उसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, फिर उनकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद एस्थर ने पॉल को बताया कि जब तुमने वो नोट मुझे दिया, उसके 7 साल पहले एक लड़के ने मुझे वो कहते हैं ना कि भी धोखा दे दिया, जिसके बाद मैंने एक नोट पर अपना नाम लिख के वैसे ही किसी को दे दिया, मतलब कुछ खरीदारी कर ली। और मेरे मन में ये चीज थी कि जो भी लड़का ये नोट मुझे वापस ला के देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। और जब तुम मुझे गर्लफ्रेंड का प्रपोजल दे रहे थे, तब मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता तुम मुझसे शादी करोगी भी या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि बाहर के देशों में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय शादी के, और इसीलिए एस्थर ने पॉल को अपना नाम नोट पर लिखे हुए वाली सच्चाई नहीं बताई। मतलब आप सोच सकते हो कि एक लड़की ने अपने खुद का नाम एक नोट पर लिख दिया हो कि अगर कोई लड़का यह मुझे वापस लाकर देगा तो मैं उससे शादी करूंगी, और 7 साल बाद कोई अनजान लड़का उसी नोट को वापस उसे गिफ्ट करे, तो लड़की का क्या रिएक्शन होगा? क्या बात है, तू भी अपना नाम लिख दे भाई। यूके में एक 10 साल की लड़की जिसका नाम था लोरा बक्सटन, उसने एक लाल रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ दिया जिसके ऊपर उसने अपना नाम और अपना एड्रेस लिखा हुआ था, और साथ में ये भी लिख दिया था, प्लीज राइट टू लोरा बक्सटन। मतलब जिसे भी ये गुब्बारा मिले वो मुझे प्लीज लेटर लिखे। वो गुब्बारा 7 दिन और 400 मील का सफर तय करने के बाद एक हैरान कर देने वाली जगह पर पहुंचा। एक लड़की जो 10 साल की थी और उसका नाम भी लोरा बक्सटन था, जिसके बाद लोरा 2 ने लोरा 1 को लेटर लिखा और साथ ही अपना फोन नंबर भी लिख डाला। और जैसे ही लोरा 1 के पास वो लेटर पहुंचा, तो लोरा 1 ने लोरा 2 को कॉल किया और वो लोरा नंबर 2 को मिलने चली गई। अब आएगा आपको इंटरेस्ट, जब वो उससे मिलने गई तो पता चला उनकी बहुत सारी बातें कॉमन थी, सिर्फ नाम ही सेम नहीं था, उनकी हाइट भी सेम थी और दोनों की उम्र 10 साल थी, और उनके माता पिता की शादी भी सेम साल में हुई थी, मतलब सेम ईयर में हुई थी, और उन दोनों की आंखें भी एक जैसी थी, और उन दोनों के पास 3 साल का काले रंग का लैब्राडोर था और साथ ही एक खरगोश था दोनों के पास। व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपके साथ इनमें से कोई भी कोइंसिडेंस हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। बहुत सुन लिया आपने, बहुत मजे ले लिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, अगर दे गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्यार मिलेगा मेरी तरफ से बस। तो उससे पहले आज का लाइक एम मांग लेते हैं। आज का लाइक एम भी 130,000 है, मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और ये रहा आज का सवाल, आजो भाई इंटेलिजेंट बंदे, दे पाओगे या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं पूछने वाला हूं आपसे। मुझे आप एक ऐसी चीज बताइए, अगर वो आपके पास है तो उसे आप बांट नहीं सकते, अगर उसे बांट दिया तो वो चीज आपके पास रहेगी ही नहीं। जिसको पता है वो नीचे कमेंट कर दीजिए, अगर किसी को नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इंस्टाग्राम की एक वीडियो पर मैंने अपलोड कर दिया है इसका जवाब, जाके आप यहाँ पर नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो अपनी मर्जी से। ये रहा यूजर नेम, और भी कुछ होता है क्या? बस इतना ही होता है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मैं मांग ही चुका हूं तो ठोक दो, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लिटिल लीवी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके।